हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं और अब मैं इनको आपको नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 3-3 इंच के चार पीस हैं, ये भी मेरे 3-3 इंच के चार पीस हैं, ये मेरे चार पीस हैं 2.5-2.5 इंच के, ये हमारे 5.5 इंच का एक पीस है जिसको हम डिज़ाइन के हिसाब से बाद में हम इसको कट करेंगे, क्योंकि ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम इन चार पीसों को आपस में मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद फ्रेंड्स, ये फिर हमारा बीच में एक स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में से सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा रखी है और हम बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलाई करेंगे और हमें फिर बाद में इसको कट करना है। तो मैं ये चारों पीस तैयार कर लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, बीच में से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमारे दो पीस तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने बीच में से कट किया है। अब देखिए, ये मेरा ऐसे पीस तैयार हो जाएगा। तो हम मैं पहले सारे पीसों को कट कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीस कट कर लिए हैं और इसके जो कोने वगैरह थे वो भी मैंने कट कर लिए हैं। 2.5 इंच इसके हिसाब से मैंने इनको सबको नाप लिया है। अब फटाफट क्या करेंगे फ्रेंड, हम डिज़ाइन को पहले मैं सेट करती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पीस सेट कर लिया है और अब हम इसको सिलना बताएंगे। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये पीस एक्स्ट्रा है, तो ये अब थोड़ा काटना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीस अब तैयार हो गया है, ये हमने सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब इनको हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इनको सिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम ये बीच की लाइन लेके यहाँ से सिलाई लगा के हम इसको ओपन करेंगे और सेम हम ये पीस भी सिल लेंगे। इसको यहाँ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। इसको भी यहाँ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। तो मैं पहले ये ऊपर की लाइन सिल लेती हूँ, सेम हमें ये नीचे की लाइन सिलनी है। तो मैं पहले ऊपर की लाइन फिर नीचे की लाइन सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऊपर की लाइन सिल गई है, अब हम नीचे की लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा नीचे का पीस भी तैयार हो गया है। अब हम इन पीस को तैयार करेंगे। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, सिलाई लगा देंगे, पलट देंगे। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सिलाई लगाएंगे, बाद में पलट देंगे। तो मैं इनको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको इस कोने से मिलाएंगे और देखेंगे हमारा ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये पीस हमारे 4.5 इंच का तैयार हो रहा है। तो यहाँ भी हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और हम सेम इधर से भी 4.5 इंच रखेंगे और इधर से भी 4.5 इंच रखेंगे। तो मैं इसको 4.5 इंच का कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 4.5 इंच का तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, पहले इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे और पलट देंगे। इसको भी हम यही करेंगे कि यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। तो मैं पहले ये दो पीस इसमें जॉइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये दो पीस जुड़ गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब इसको लेंगे, यहाँ पर सिलाई से सिलाई को जोड़ेंगे ताकि हमारा पीस इधर उधर ना रहे। तो यहाँ पहले पिन अप कर लेंगे और फिर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। सेम यही पीस करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ से इसको यहाँ रखेंगे, सिलाई से सिलाई को अटैच करेंगे और फिर यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं आपको सिल के कम्प्लीट दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सिलाई लग गई है, ये मेरा पीस बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाते रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और एक सुंदर सा डिज़ाइन लेके आऊँगी। तो अभी के लिए बाय।